हेलो दोस्तों, जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं उसका नाम है सर्विस टैक्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि सर्विस टैक्स होता क्या है, किस पे लगता है और क्या रेट होता है इसका। जो बहुत ही सिंपल टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो सर्विस टैक्स जो लेवी होता है, जो लगता है, वो लगता है सेल्स ऑफ सर्विस पे। ठीक है, मतलब ये जहां पे सर्विस होगी, सर्विस का मतलब क्या होता है, सेवाएं। ठीक है, जहां कोई गुड्स नहीं होता, मतलब मैं कुछ दे रहा हूँ तो वो गुड्स नहीं दे रहा, कोई सर्विस दे रहा हूँ आपको, जैसे टीचर का पढ़ाना, ठीक है, डॉक्टर का सर्विस देना, ठीक है, सीए की सर्विस, एडवोकेट की सर्विस, इंजीनियर की सर्विस, कंसल्टेंसी की सर्विस, ठीक है, ये बहुत सारी सर्विस होती है, नंबर ऑफ सर्विसेज है मार्केट में। अगर कोई भी पर्सन किसी को सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लेवी हो जाएगा, उस कंपनी पे, उस पर्सन पे सर्विस टैक्स लेवी लग जाएगा। तो जो भी सर्विस दे रहा है उस सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स भी लगेगा। सिंपल है इतना। ओके, नंबर टू, सर कब से लगेगा? माइंड में बातें ये आती हैं कि सर मैंने आज कंपनी खोली है अगर, क्या सर आज से ही लग जाएगा सर्विस टैक्स मेरे पे? मतलब ये तो वो वाली बात होगी कि जी बच्चा पैदा आज हुआ, ठीक है, और आज से उसके पेरेंट्स ने बोल दिया जा बेटा कमा खिला, समझ रहे हो? तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, एक दिन का बच्चा है, बेबी एक दिन का है, कहाँ से कमा लेगा वो? इस तरह क्या होता है, सर कंपनी मैंने आज खोली है, अगर आज से मेरे पे सर्विस टैक्स की मार लगा दोगे मैं कहाँ से टैक्स ला के दूंगा? मैं अपने पहले कस्टमर अरेंज करूंगा या सर्विस टैक्स में खेलूंगा बैठ के? तो पहले तो मैंने आपको समझाया क्या कि जी सर्विस टैक्स जो लगता है वो सेल्स ऑफ सर्विस पे लगता है, जहां भी सर्विस होगी वहां पे सर्विस टैक्स भी आएगा। बट कब आएगा? वो आएगा सर अगर किसी कंपनी का, अगर किसी सर्विस सेक्टर वाली कंपनी का टर्नओवर एक साल में 10 लाख क्रॉस करता है, 10 लाख। अगर किसी भी सर्विस सेक्टर वाली कंपनी का, यानी ऐसी कंपनी जो सर्विस दे रही है मार्केट में, ठीक है, तो उनका अगर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स, अगर उनकी सेल्स 10 लाख एक्सीड करती है तो उस कंपनी के ऊपर, उनकी सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स भी लेवी हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगी उनको कि सर एक काम करो, आप जितने की भी सर्विस दे रहे हो मार्केट में उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स भी लो, वो टैक्स लाके हमें दो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं टीचिंग दे रहा हूँ, कोचिंग दे रहा हूँ आपको, तो कोचिंग की मेरी फीस है 20,000 रुपये। सर अगर मेरे एकेडमी का जो टर्नओवर है वो अगर 10 लाख एक्सीड हो गया तो उस केस में क्या होगा? सर मुझसे गवर्नमेंट बोलेगी सर राज सर अपनी फीस पे ना 20 लाख के 20,000 के ऊपर टैक्स भी लो, सर्विस टैक्स भी लो। तो क्या होगा, मैं आपको बोलूंगा बच्चों को कि सर 20,000 तो मेरी फीस है प्लस आप सर्विस टैक्स भी दो मुझे, तो 20,000 रुपये मैं अपनी जेब में रख लूंगा और जितना भी पैसा आपसे मैं सर्विस टैक्स के नाम पे लूंगा वो सारा पैसा मैं गवर्नमेंट को जाके जमा कर दूंगा। उनको बोलूंगा कि सर ये लो, मेरा टर्नओवर 10 लाख एक्सीड हो गया था तो वो मैंने टैक्स देना चालू कर दिया और ये रही आपके टैक्स के पैसे आपके। सिंपल है? ओके, तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी भी सर्विस सेक्टर वाली कंपनी का टर्नओवर एक साल में 10 लाख एक्सीड करता है तो उस कंपनी को सर्विस टैक्स में अपना चार्ज करना कंपलसरी है। 10 लाख तो हो गया जी चार्ज करने के लिए, मतलब अगर 10 लाख एक्सीड करेगा तो आपको सर्विस टैक्स चार्ज करना कंपलसरी है हर एक बिल पे। यानी 10 लाख के बाद जितने बिल काटोगे आप, जितने बिल दोगे, इशू करोगे, हर एक बिल पे सर्विस टैक्स भी लगा होगा, वो टैक्स लेके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। जमा कैसे करवाते हैं वो सिखाएंगे बाद में आपको, ठीक है, अभी पहले इतना समझो, इंट्रो दे रहा हूँ खाली मैं आपको, होता क्या है कैसे। अच्छा, बट एक छोटा सा रूल और है इसके अंदर दोस्तों, वो रूल ये है कि जी 10 लाख पे चार्ज करना कंपलसरी है, बट गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि जी 9 लाख पे अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 9 लाख हो गया, 9 लाख एक्सीड हो गया, तो आपको सर्विस टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है, मतलब आपको सर्विस टैक्स में अप्लाई करना कंपलसरी है। यहाँ दो रेट आ गया, फिर समझो सर, एक 10 लाख, एक 9 लाख। 10 लाख पे क्या होता है, सर 10 लाख के बाद से चार्ज करना कंपलसरी है, बट गवर्नमेंट क्या बोलती है कि किसी भी कंपनी के ऊपर 10 लाख से पहले सर्विस टैक्स हम लेवी नहीं करेंगे, ठीक है, इससे पहले टैक्स नहीं लेंगे। बट क्या बोलती है गवर्नमेंट कि सर एक काम करो, 9 लाख पे अप्लाई कर लो खाली बस इन सर्विस टैक्स, जी अपना टैक्स सर्विस टैक्स नंबर लेके बैठ जाओ, जैसे ही 10 लाख क्रॉस होगा फिर आप टैक्स चार्ज करना चालू कर देना। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि जी सर्विस टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, छूट कितने की है, तो आप सिंपली बोलो 10 लाख की, बट 9 लाख पे सर्विस टैक्स में अप्लाई करना कंपलसरी है। जिस दिन भी आपका 9 लाख का टर्नओवर क्रॉस होता है उसके 30 दिन के अंदर हमें सर्विस टैक्स में अप्लाई करना होता है, उसका फॉर्म होता है हमारा ST1, अप्लाई करने का फॉर्म, उसको ऑनलाइन फाइल करना कंपलसरी है। अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो में सिखाऊंगा, ST1 कैसे फिल करते हैं। ओके, नंबर वन,
10 लाख पे चार्ज करना कंपलसरी, 9 लाख पे अप्लाई करना कंपलसरी, सिर्फ नंबर लेना है हमें 9 लाख पे, चार्ज नहीं करना हमें, ठीक है। अच्छा सर, चार्ज करेंगे तो किस रेट से करेंगे ये भी समझा दो। तो देखो बच्चों, जब हम चार्ज करेंगे हमारा रेट होता है, वैसे यहाँ पे देख भी लोगे, मैंने एक थोड़ा सा एक पीपीटी बना रखी है इस तरह की, एक पेज है मेरा, कि सर सर्विस टैक्स लेवी होता है हमारा सेल्स ऑफ सर्विस पे, सर्विस सेक्टर की कंपनी के ऊपर सर्विस टैक्स लगता है, इतना क्लियर हो गया। किसी भी सर्विस सेक्टर वाली कंपनी का अगर टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, करंट ईयर में 10 लाख क्रॉस हो गया तो उसको सर्विस टैक्स में अप्लाई करना कंपलसरी, ठीक है। बट लेकिन क्या सर, 9 लाख पे टर्नओवर क्रॉस होने पे आपको सर्विस टैक्स में अप्लाई करना होगा, 10 लाख पे चार्ज करना है, 9 लाख पे अप्लाई करना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौन सा होता है, ST1, कैसे फिल करते हैं, ऑनलाइन, वही सेम बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, देख लो एक बार। 9 लाख क्रॉस, ST1 फाइल करना है आपने विद इन 30 डेज, जिस दिन 9 लाख क्रॉस होगा उसके 30 दिन के अंदर आपने ST1 फाइल करना होता है। अच्छा एक चीज और देख लो कि सर्विस टैक्स इंडिया में कब आया था, सर्विस टैक्स इंडिया में आया था 1994 के अंदर, ठीक है। अभी तक क्या हुआ था इसका, बेसिकली एक इंट्रो क्लास मेरी है, अलग से वीडियो है, वो इंट्रो सुन लेना कि सर्विस टैक्स आने से पहले क्या था, कौन लेके आया, कैसे ये बजट पास होता है हमारा, ठीक है, बजट, फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट क्या होते हैं। यहाँ पे खाली ये समझ लो कि सर्विस टैक्स 1994 में आया था, और जब ये आया था तो उसको हमने एक्ट दिया था फाइनेंस एक्ट 1994, यानी सर्विस टैक्स जो चलता है वो कहाँ से चलता है हमारा, फाइनेंस एक्ट 1994 से। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट होता है हमारा, सेल टैक्स के लिए सेल टैक्स एक्ट, वी हैव अ एक्साइज के लिए एक्साइज एक्ट, ओके, कस्टम के लिए कस्टम एक्ट, बट सर्विस टैक्स के लिए सर्विस टैक्स एक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। इसके लिए एक्ट है, कानून है, बट कौन सा, फाइनेंस एक्ट 1994, यानी जो भी बातें फॉलो करनी है इसने वो कहां से फॉलो करनी है, फाइनेंस एक्ट 1994 से। देयर इज नो एक्ट नेम्ड एज सर्विस टैक्स एक्ट, फिर से रिपीट करता हूं, इसके लिए सर्विस नाम टैक्स नाम की एक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, इसका एक्ट होता है, कौन सा एक्ट होता है, फाइनेंस एक्ट 1994, ओके। अच्छा हम बातें कर रहे थे रेट की, सर किस रेट पे सर्विस टैक्स चार्ज होता है, तो वो दिखाता हूं मैं आपको रेट ऑफ सर्विस टैक्स, जस्ट वेट। तो देखो बच्चों, जो सर्विस टैक्स का रेट है, ठीक है, वो है हमारा 15%, यानी अगर आपने सर्विस चार्ज करना है वो करना है 15%, ठीक है। यानी अगर मेरी फीस 20,000 रुपये है, मैं अगर सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ तो मुझे टैक्स देना होगा आफ्टर 10 लाख, कितना लूंगा मैं, 15%, ठीक है। तो 20,000 पे मैं 15% सर्विस टैक्स पे लूंगा, 20,000 रुपये तो मैं अपने जेब में रख लूंगा, प्लस 15% जो भी बनेगा 20,000 का वो मैं लाके गवर्नमेंट को दे दूंगा आपसे लेके, ठीक है। सर ये 15% जो रेट है ना वो एग्रीगेट रेट है, इफेक्टिव रेट है, मतलब इस रेट से हमें चार्ज करना होता है। इसका बाइफर्केशन कैसे होता है वो देखो, सर्विस टैक्स का रेट तो नॉर्मली 14% ही है, गवर्नमेंट जो सर्विस टैक्स लेती है वो आपसे 14% लेती है, बट गवर्नमेंट क्या बोल रही है आपको कि सर आप जिस कस्टमर से 14% टैक्स लोगे उनसे आप 0.5 और 0.5 2.5 एक्स्ट्रा लेना। सर ये एक्स्ट्रा क्यों लेंगे, बेसिकली गवर्नमेंट ने अभी ये आपका नवंबर 15 के अंदर एक सेस लॉन्च किया, स्वच्छ भारत सेस, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया जी जितने भी कॉर्पोरेट्स वाले होते हैं ये यहाँ पे बेसिकली गंदगी फैलाते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया में हमें सफाई करनी है, स्वच्छ भारत अभियान चलाना है, उसके लिए फंडिंग चाहिए, वी नीड फंड, ठीक है। तो फंड कहाँ से आएगा, सर यहाँ से आएगा, कुछ हेल्प हमें गवर्नमेंट को यहाँ से भी मिलती है, तो जितना भी पैसा ये 0.5 इकट्ठा होता है ये सारा कहाँ लगेगा, हमारे क्लीन के लिए, भारतीय सफाई के लिए, स्वच्छ भारत अभियान में जाएगा, ठीक है। चाहे वो गंदगी कहीं से भी आए, कॉर्पोरेट सेक्टर फैलाए, फैक्ट्रीज हो, कुछ भी हो, पर्सन हो, वर्सेस सब में, ठीक है। तो स्वच्छ भारत सेस, जिसे नॉर्मली हम SBSS भी बोलते हैं, स्वच्छ भारत सेस, SBSS, ठीक है, SBSS, तो ये कितना होता है 0.5। फिर गवर्नमेंट ने अभी क्या कर दिया, जून में एक नया सेस निकाल दिया, कौन सा, कृषि कल्याण सेस। यहाँ बेसिकली गवर्नमेंट ने ख्याल रखा किसका, कॉर्पोरेट सेक्टर का, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, इंग्रोलॉजी एग्रीकल्चर वालों को तो भूल गए हम, तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर वालों के लिए फिर क्या निकाल दिया, एक और सेस निकाल दिया उनके वेलफेयर के लिए 0.5%। ये पैसा कहाँ लगेगा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में लगता है हमारा, कृषि कल्याण सेस, जिसको नॉर्मली हम KKSS के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब कहानी कहाँ पे आ गई कि सर सर्विस टैक्स तो 14% ही है, बट साथ में हमें ये 0.5% SBSS, 0.5 KKSS भी लेना कंपलसरी है, ठीक है। ऐसा नहीं सर हमने ये नहीं लिया, खाली टैक्स तो ले लिया हमने, आपको तीनों चार्ज करने होते हैं बिल पे। इफेक्टिव रेट मतलब जिस रेट से सर्विस टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा, 15%।
आपने जितने का भी बिल बने आपका उसके ऊपर 15% सर्विस टैक्स कंपलसरी है लेना। रेट ऑफ सर्विस टैक्स इज 15%, ठीक है। वैसे कुछ पूछता है आपसे तो 14% सर्विस टैक्स, 0.5 ये लगता है, 0.5 ये लगता है। होप इट इज क्लियर विद यू, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी रेट के बारे में बातें, फिर आगे समझते हैं। अब आगे बात ये होती है हमारी कि सर एंट्रीज कैसे होगी हमारी, अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है। मान लो कोई कंपनी अब सेल करेगी तो उसकी एंट्री क्या पास करे, कोई कोई कंपनी परचेज करेगी तो एंट्री क्या पास करे, ठीक है। तो देखते हैं एक बार एंट्री क्या होती है। तो बच्चों आपको आई थिंक अकाउंट्स का बेसिक तो थोड़ा पता ही होगा, ठीक है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो क्या होता है, इतना क्लियर है आपको कि अकाउंट के अंदर दो साइड होते हैं हमारे, एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है। और डेबिट साइड जो होता है हमेशा हमेशा इक्वल होगा क्रेडिट साइड के। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ओके। अकाउंट के कोई से भी लेजर पिक कर लो, वो आपके इन चार के अंदर ही फॉल करते हैं। चाहे या तो वो आपका एसेट्स होगा, या वो आपकी लाइबिलिटी होगी, या तो वो आपके एक्सपेंस होगा, या आपकी इनकम होगी। क्लियर है? यानी किसी भी कंपनी के अंदर ये चार पार्ट्स होते हैं और इनके अंदर ही सारे लेजर सारे अकाउंट्स फॉल करते हैं, इनके अंदर आते हैं एसेट्स लाइबिलिटी एक्सपेंस या इनकम, ठीक है। तो क्या होता है, एक बेसिक रूल थम रूल है हमारे कि सर अगर किसी भी कंपनी के अंदर एसेट्स इंक्रीज होता है बढ़ता है तो क्या होगा, उसको डेबिट कर दो आप। यानी जब भी किसी कंपनी के अंदर कोई एसेट्स बढ़ता है तो उस एसेट्स को आप डेबिट कर दो। एसेट्स अगर कम हो रहा है, आपको लग रहा है जी हमारा एसेट्स कम हो रहा है, तो उसको आप क्रेडिट कर दो, उस एसेट्स का नाम क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटी, जब भी किसी कंपनी के अंदर लाइबिलिटी कर्ज बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। एक्सपेंस खर्चा, सर जब भी किसी कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। इनकम आय, जब भी किसी कंपनी की इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर यहाँ पे एसेट्स का और एक्सपेंस का रिलेशन बिल्कुल सेम है, दोनों ही अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। और फिर ध्यान से देखो लाइबिलिटी और इनकम का भी नेचर बिल्कुल सेम है, है ना। जब भी बढ़ते हैं तो दोनों इनकम और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, जब भी दोनों कम होते हैं तो डेबिट होती है। तो यानी एसेट्स और एक्सपेंस सेम, लाइबिलिटी और इनकम बिल्कुल सेम, सेम मतलब उनका नेचर बिल्कुल सेम डेबिट क्रेडिट का, ओके। तो जी एंट्री कैसे मैप करेंगे वो देखते हैं आप एक बार, कि परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, सेल की एंट्री कैसे करते हैं। नॉर्मली आपको मैं समझा दूं कि एसेट्स क्या होते हैं हमारी कंपनी में, सर कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, सारे हमारे एसेट्स होते हैं। लाइबिलिटी क्या हो गई, किसी से लोन लिया है वो लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है। किसी को पैसे देने हैं वो हमारी लाइबिलिटी है। एक्सपेंस क्या होता है, सर दुनिया जाके एक्सपेंस होते हैं कंपनी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी बिल, बिजली बिल, टेलीफोन का बिल, ठीक है, चाय पिलाया स्टाफ को वो बिल, सैलरी भी बिल हमारा एक्सपेंस ही होता है, कन्वेंस हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। और इनकम क्या होती है हमारी, जो चीज़ हम बेच रहे हैं, ठीक है, वो हमारी इनकम है। जो चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ, जिस काम के लिए मैंने अपना ऑफिस खोला है, वो उससे होने वाली इनकम हमारी इनकम होती है। जैसे मान लो मैं टीचिंग दे रहा हूँ, टीचिंग इज माई इनकम, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम, टीचिंग इज माई सोर्स ऑफ इनकम। कोई कंपनी सीए का काम कर रहा है, जैसे मैं सीए का काम भी करता हूँ, तो सीए की जो मेरी प्रोफेशन है वो क्या होगा, मेरा इनकम, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल, देखो यहाँ पे समझो, एक एबीसी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड, आप इस कंपनी के अंदर अकाउंटेंट हो, ठीक है, एबीसी लिमिटेड के अंदर आप अकाउंटेंट हो। और आपकी कंपनी क्या करती है, आपकी कंपनी टैक्स फाइलिंग का वर्क करती है, आप मार्केट में टैक्स फाइलिंग का सर्विस देते हो कंपनियों को, ए पर्सन के टैक्स भरते हो आप, ठीक है। तो अपनी सर्विस दोगे तो आप टैक्स भी लोगे, जाहिर सी बात है, फ्री में सर्विस कोई नहीं देता, ठीक है। तो आप टैक्स दोगे तो पैसे भी लोगे। तो आपने एक सर्विस दी अपनी, आपने सर्विस सेल करी किसको, हरिओम लिमिटेड को, ये दूसरी कंपनी है जिनको टैक्स फाइलिंग करवानी थी। इस कंपनी ने आपसे कॉन्टैक्ट किया एबीसी लिमिटेड से, और आपने इनको बोला कि सर टैक्स फाइलिंग कर देंगे और आपसे पैसे लेंगे हम 60,000 रुपये, ठीक है। और जैसे कि आप मान लो कि आप एबीसी लिमिटेड जो है वो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड भी है और उसका टर्नओवर 10 लाख क्रॉस है। तो अभी कुछ देर पहले सिखाया था मैंने आपको कि किसी भी कंपनी का टर्नओवर 10 लाख क्रॉस होता है उसको सर्विस टैक्स चार्ज करना कंपलसरी है। तो ये बंदा जितने का बिल भेजेगा अपना हरिओम को उसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लेगा एट द रेट ऑफ 15%। बेसिक बात है, क्लियर हो गई। तो यानी कि मैं फीस लूंगा इससे टैक्स फाइलिंग की 60,000 प्लस सर्विस टैक्स
9,000, तो मेरी टोटल फीस कितनी हो जाएगी, 69,000। ठीक है, ओके। कुछ चीज़ें समझो, एंट्री कैसे पास करते हैं। तो जो एबीसी लिमिटेड है इसके बुक्स में एंट्री होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये सेल की एंट्री है, तो इसके बुक्स में क्या एंट्री होगी वो देखते हैं एक बार। यानी हम अपनी बुक मतलब एबीसी की बुक में क्या एंट्री पास करेंगे सेल की, हमारे लिए सेल है ये, हमने हरिओम को सेल किया है। तो देखो कुछ चीज़ें देखो, यहाँ पे टैक्स फाइलिंग क्या होगा हमारे लिए। सर एबीसी के लिए टैक्स फाइलिंग उसकी सेल है जिससे वो इनकम अर्न करता है, तो टैक्स फाइलिंग हमारी सेल होती है, सेल से हमारी इनकम होती है। इनकम यहाँ मेरी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं अपनी सेल करूंगा तो मेरी इनकम इंक्रीज होगी। मैंने एक बच्चे को पढ़ाया, दूसरा बच्चा भी आ गया, तो मेरी इनकम इंक्रीज। तो मैंने एक का टैक्स भरा, दूसरे का टैक्स भरूंगा, तो मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है यहाँ पे 60,000 रुपये से। तो इनकम जब भी इंक्रीज होती है, अभी कुछ देर पहले देखा था हमने, इनकम जब भी इंक्रीज होती है हम क्या करते हैं, इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट। ओके, नंबर टू, दूसरा बंदा कौन है यहाँ पे, हरिओम लिमिटेड। तो हरिओम लिमिटेड जो है वो कौन होगा हमारे लिए, डेटर्स होंगे हमारे। डेटर क्या होता है हमारा, सर जब भी किसी से पेमेंट लेनी होती है तो उनको डेटर बोलते हैं, जब भी किसी को पेमेंट देनी होती है तो उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं। डेटर क्रेडिटर वर्ड क्लियर हो गया। डेटर मीन्स जब भी किसी से पेमेंट लेनी होती है हमें, जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो आप सारे मेरे लिए क्या हो गए, डेटर। ठीक है, क्योंकि आपसे फीस लेनी है मुझे। इस वाले केस में देखो, अपने एग्जाम्पल में एबीसी ने इसको अपनी सर्विस दी हरिओम को, तो सर्विस दी तो 60,000 रुपये लेने हैं इसको, तो हरिओम क्या होगा, डेटर। ठीक है, और डेटर किसी भी कंपनी में क्या होता है, हमारा एसेट्स होता है, भाई पैसे आएंगे तो हमारी संपत्ति बढ़ेगी, एसेट्स होगा हमारा। और जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा तो, जब भी एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट। ठीक है, फिर एक चीज और भी है, सर्विस टैक्स भी तो लेंगे हम बिल के ऊपर। तो सर्विस टैक्स जो लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी क्यों, कर्ज क्यों हमारा, क्योंकि जी मुझे हरिओम से पैसे तो मिल जाएंगे 9,000 रुपये, बट ये पैसे लेके मुझे गवर्नमेंट को एज इट इज पे करना है। मैं अपनी जेब में इस 9,000 रुपये रख नहीं सकता, ना उसका मैं यूज कर सकता हूँ। आप मेरी फीस ये रही, इससे मैं जो मर्जी करूँ, बट ये 9,000 रुपये मैं हरिओम से लेके गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। तो सर्विस टैक्स तो मैंने लिया, बट वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो हमारी वो क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो एंट्री कुछ हो जाएगी क्लियर। अच्छा एक चीज़ और सर, यहाँ पे हमारा नाम भी तो आएगा, एबीसी का नाम बिल के अंदर बिल्कुल आएगा, बट याद रखना एक थंब रूल है अगेन, कि जी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना नाम कभी नहीं आता, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। इसको फिक्स कर लो माइंड में कि जी अगर हम जिस कंपनी के लिए काम करेंगे उस कंपनी का नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं भी नहीं आता, ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखते हैं एंट्री क्या बनेगी। बच्चों एक मिनट रुको, तो जो एंट्री है आपकी वो है ये देखो। तो पहले आपने देखा था कि सर हमें हरिओम को डेबिट करना है और बाकी टैक्स फाइलिंग उसको क्रेडिट करना है। मैंने सेम वही किया है, हरिओम अकाउंट सेल की एंट्री देखो, हरिओम अकाउंट डेबिट 69 से, क्योंकि हरिओम को जो पैसे देने हैं वो 69,000 देने हैं। टू टैक्स फाइलिंग, क्योंकि टैक्स फाइलिंग हमारी सेल है, सेल हमारी इनकम होती है, तो सेल मेरी टैक्स फाइलिंग हमने 60,000 की करी है। प्लस सर सर्विस टैक्स, SBCS और KKCS। अच्छा यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है सर्विस टैक्स 15%। ठीक है, बट क्या होता है जब हम एंट्री में बुक करते हैं ना, तो इसको तोड़ के करते हैं, मतलब 14% हमारा सर्विस टैक्स, 0.5 हमारा स्वच्छ भारत सेस, 0.5 हमारा कृषि कल्याण सेस, SBCS और KKCS। ठीक है, तो एंट्री में आपको इनको तोड़ के दिखाना होगा। अच्छा सर्विस टू सर्विस टैक्स 14%, टू SBCS स्वच्छ भारत सेस 0.5% और टू KKCS कृषि कल्याण सेस 0.5%। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 9,000 रुपये। तो 60,000 प्लस 9,000, 69,000। ठीक है, तो जब भी बच्चों को आपसे एंट्री पूछे कि जी सेल की एंट्री बताओ, आपकी कंपनी ने सेल किया है और प्लस सर्विस टैक्स लिया है उसकी एंट्री बताओ, तो सिंपली से क्या बोलोगे आप, सर पार्टी अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सेल टू सर्विस टैक्स, खत्म। फिर समझ लो, जिसको भी बेच रहे हो उसको डेबिट, क्योंकि वो आपका डेटर ही होने वाला है, सन्ट्री डेटर होगा वो आपका। जो जो सर्विस दे रहे हो, मैं यहाँ पे सर्विस का नाम नहीं लिख रहा, मैंने सेल लिख दिया है, आप जो सर्विस दे रहे हो उसको आप आंख बंद करके क्रेडिट कर दो, क्योंकि सर्विस देने से आपकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम जब भी इंक्रीज होगी तब की क्रेडिट होती है। और टू सर्विस टैक्स, ये यहाँ पे हमने क्यों लिखा, क्योंकि सर हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है हमारी वो क्रेडिट होती है। तो सेल की एंट्री क्या होती है बच्चों, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू सर्विस टैक्स। ठीक है, अपने एग्जाम्पल में आते हैं, सर पार्टी हमारा हरिओम वो डेबिट कर दिया मैंने टू सेल, तो हमारा टैक्स फाइलिंग हमारी सेल है, अगेन क्रेडिट है वो,
और टू सर्विस टैक्स, तो हमारी तीनों लेजर जो हमारे 1, 2 और 3 ये सर्विस टैक्स के लेजर है जिसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब एक बात यहाँ मिसिंग है, कौन सी मिसिंग नहीं मतलब मैंने कुछ देर से इसको अवॉइड इग्नोर किया है, वो कौन सा ओटी, तीनों का आगे ओटी लिखा हुआ है। ओटी मीन्स क्या होता है, हमारा आउटपुट। ठीक है, तो जब भी हम सेल की एंट्री पास करते हैं तो जो टैक्स के लेजर होते हैं टू सर्विस टैक्स, टू एसवी सेस, टू के, उनके आगे हम आउटपुट लिखते हैं, टू आउटपुट सर्विस टैक्स, टू आउटपुट एसवी सेस, टू आउटपुट कृषि क्लियरेंस सेस। अच्छा, ये आउटपुट क्यों लिखते हैं? ठीक है, और जब परचेज की एंट्री पास करेंगे तो हम टैक्स पे करेंगे तो उनके आगे लिखते हैं इनपुट। ठीक है, तो ये इनपुट और आउटपुट का लॉजिक क्या है ये आपको मैं आगे समझाऊंगा। अभी कुछ टाइम के लिए ये समझ लो कि जब भी हम सेल की एंट्री करेंगे तो टैक्स लेंगे कस्टमर से, अपने टैक्स लेंगे तो टैक्स को यहाँ पर डालेंगे हम और साथ में इनके आगे आउटपुट लगा देंगे, ओ यू टी पी यू टी आउटपुट। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं इसको। आप परचेज की एंट्री समझो थोड़ी सी कि जी मान लो आपकी कंपनी का काम खाली सर्विस देने का नहीं होगा, सर्विस लेने का भी होगा। यानी कोई भी कंपनी मार्केट में कैसे दिखती है, सर कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, कुछ सर्विस लेती भी है मार्केट से। जैसे कि एबीसी ने अपनी सर्विस दी टैक्स फाइलिंग की, ठीक है, यहाँ पे देखा भी था आपने, एबीसी ने सर्विस दी टैक्स फाइलिंग की हरिओम को। अब मान लो वही एबीसी कंपनी जो है वो पहुंच गई एक टीएनटी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। टीएनटी प्राइवेट लिमिटेड किस लिए पहुंच गई इनके पास? सर कुछ इनको अपने ग्रीटिंग कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड, पैम्पलेट, कोर्स के डिजाइन करने थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो डिजाइन करता है उसको हम ग्राफिक डिजाइनर बोलते हैं। तो ये जो कंपनी है हमारी टीएनटी प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या करती है सर, ये मार्केट के अंदर ग्राफिक की सर्विस देती है, डिजाइन करती है कार्डों को। ठीक है ना, जैसे हमारे जो वेडिंग कार्ड डिजाइन करते हैं उनको ग्राफिक डिजाइनर ही बोलते हैं। ठीक है, तो टीएनटी प्राइवेट लिमिटेड ने बोल दिया कि सर आपकी कार्ड हम डिजाइन कर देंगे, हमारे ग्राफिक डिजाइन के खर्चे जो आएंगे वो 30,000 रुपये होंगे, यानी 30,000 रुपये में आपको हम सर्विस देंगे डिजाइन की। प्लस सर हम जो टीएनटी कंपनी है ये सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है मान लो, तो इनका भी फर्ज बनता है टैक्स लेने का, कंपलसरी है इनके लिए भी लेना टैक्स। ठीक है, तो क्योंकि जिस भी किसी कंपनी का टर्नओवर 10 लाख क्रॉस होगा उसके लिए सर्विस टैक्स लेना उसका कंपलसरी है, कंपलशन है उसके लिए। ठीक है, तो जितनी की भी सर्विस देगा उसके ऊपर टैक्स जरूर लेगा ये। ठीक है, तो इसने हमें सर्विस दी एबीसी को, हम यहाँ पे हैं, तो हमें सर्विस दी ग्राफिक की 30,000 रुपये की, प्लस सर्विस टैक्स 15% जो कि 4,500 हो गया, तो टोटल फीस कितनी होगी 34,500। हमें जो उसको पे करना है कितना पे करना है 34,500। तो देखते हैं एक बार परचेज की एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपसे अगर पूछे परचेज की एंट्री क्या होती है तो सिंपली बताना उसको, सर परचेज की एंट्री होती है हमारी परचेज अकाउंट डेबिट, सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी, यानी जो चीज़ आपने परचेज किया उसको डेबिट कर दो, जो भी टैक्स उसको पे कर रहे हो सर्विस टैक्स उसको भी डेबिट कर दो टू पार्टी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने परचेज क्या किया था, यहाँ से हमने परचेज किया था ग्राफिक डिजाइन की सर्विस, तो ग्राफिक डिजाइन को मैंने डेबिट कर दिया 30,000 से, और फिर सर्विस टैक्स। ठीक है, तो यहाँ भी हम सर्विस टैक्स के लेजर को तीन पार्ट में दिखाएंगे सर, सर्विस टैक्स, एस बी सी एस और के सेस। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जब भी हम सेल करते हैं तो सेल के आगे सर्विस टैक्स को लिखते हैं आउटपुट और परचेज के आगे इनपुट। ऐसा क्यों लिखते हैं, कुछ ये समझ लो कि सर दोनों लेजर डिफरेंट दिखे हमें, ताकि हमें पता लग जाए कि ये हमारे सेल वाले लेजर हैं और ये हमारे परचेज वाले लेजर हैं। इनपुट मीन्स परचेज का लेजर, आउटपुट मीन्स सेल के लेजर। कल को 2 मिनट के लिए मान लो मैं यहाँ लिखूँ टू सर्विस टैक्स और यहाँ भी लिखूँ सर्विस टैक्स, तो दोनों लेजर बिल्कुल सेम होंगे, मैं खुद कन्फ्यूज जाऊँगा कि सर ये परचेज के लेजर हैं या सेल वाले टैक्स के लेजर हैं, ये टैक्स जो है वो मेरा जिससे मैंने लिया है कस्टमर से वो टैक्स है या जो मैं देख के आया हूँ वो टैक्स है वो, तो ऐसा कन्फ्यूजन ना आए इसलिए हम इसका आगे आउटपुट या इनपुट लगाते हैं। इसका पीछे टेक्निकल रीजन भी है, आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि क्यों लिखते हैं आउटपुट और क्यों लिखते हैं इनपुट, यानी यहाँ पे क्यों इनपुट और यहाँ पे क्यों आउटपुट। ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। अभी ये समझो कि सेल के टैक्स के लेजर के आगे आप आउटपुट लिखोगे और परचेज के टैक्स के लेजर के आगे आप इनपुट लिखोगे। तो जो चीज़ परचेज किया उसको डेबिट, फिर टैक्स को डेबिट, सर्विस टैक्स डेबिट, एस बी सेस डेबिट, के सेस डेबिट, और जिससे भी परचेज किया उसको क्रेडिट। ऐसा क्यों करते हैं सर, क्योंकि जिससे आप खरीद रहे हो वो आपके लिए क्या होगा सर, इनको हमें पेमेंट करनी है 34,500 की, तो हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होती है। प्लस सर ये क्या है, सर ये हमारा एक्सपेंस है, परचेज मतलब परचेज हमारा मान लो, तो सर परचेज एक्सपेंस जो बोलो इसको आप, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली परचेज जब भी बढ़ता है हमारा तो सर डेबिट होता है। और ये तीनों क्या है सर, परचेज पे किया हुआ टैक्स है, हम ये सर्विस लेने गए तो इस सर्विस को लेने के चक्कर में हमें इतना पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। ठीक है, तो क्या हो गया सर, ये हमारा, ये भी हमारा एक्सपेंस हो गया। ठीक है, ये भी हमारा एक्सपेंस हो गया, तो ये एक्सपेंस जब भी बढ़ता है हमारा तो डेबिट होता है। ठीक है,
तो बच्चों दिस इज अबाउट द सेल परचेज एंट्री कि हम सेल की एंट्री कैसे करते हैं, परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, सर्विस चार्ज क्या होता है, किस रेट से लगता है, ठीक है। अब मैं आपको अगली वीडियो में ये समझाऊंगा कि हम सेल परचेज की एंट्री टैली पे कैसे मैप करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगली वीडियो देखो मेरी आप, ओके, टेक केयर।